हाय गाइस, मैं हूं दिव्यांश, और सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर एक नेकबैंड की, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था प्राइम डे सेल्स में। यहाँ पे पेट्रॉन ने उन्होंने कुछ बजट सेगमेंट के नेकबैंड लॉन्च करे थे, उसमें से एक ये मॉडल है टेंजेंट लाइट करके। तो हम लोग चेकआउट करते हैं किस तरह का डिवाइस है, किस तरह की क्वालिटी देखने को मिलती है। बट उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम लोगों का प्यार बना रहे और आगे भी आने वाले वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। चलो नेक्स्ट अनबॉक्सिंग हम लोग शुरू करते हैं। चलिए गाइस, तो ये हमारा बॉक्स बॉक्स हम लोग एक ओवरव्यू लें, तो हम लोग फटाफट से देखते हैं कि क्या कुछ मिलता है। तो पेट्रॉन की ब्रांडिंग आपको मिलती है, नीचे की तरफ लिखा है टेंजेंट लाइट, जो कि पर्टिकुलर मॉडल है। साइड में भी हम ब्रांडिंग करी हुई है दोनों ही साइड। अगर हम लोग यहाँ पे बॉक्स के पीछे की साइड देखेंगे तो आपको हाईलाइट्स मिल जाते हैं। एडवांस वायरलेस कनेक्टिविटी मिल जाती है, 6 आवर्स का कंटिन्यूस प्लेबैक है, 10 मीटर की रेंज आपको डिवाइस से मिल जाएगी। 5 वॉट का चार्जर आप इसको यूज़ कर सकते हैं चार्ज करने के लिए। 125 mAh की बैटरी लगी हुई है, 1.5 घंटे में आपको जो डिवाइस से चार्ज होता है। 10 mm के डायनामिक ड्राइवर्स इस डिवाइस में आपको देखने को मिलते हैं, और 6 घंटे का टॉक टाइम भी मिलता है। प्राइसिंग जो बॉक्स पे दिए वो 1800 रुपए दिए, बट ओरिजिनल कम है, और वो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। फिलहाल हम लोग इसे कंटेंट्स को चेक करते हैं। तो कंटेंट्स में आपको यहाँ पे सबसे मिल जाती है माइक्रो यूएसबी केबल, चार्जिंग के लिए प्रोवाइड करिए, छोटी सी केबल दी है बट क्वालिटी अच्छी थी। इसके अलावा आपको यहाँ मिल जाते हैं एक्स्ट्रा ईयर टिप्स डिफरेंट ईयर साइज के हिसाब से, तो आप चेंज वगैरह कर सकते हैं जैसे आपको लग रहा हो, लार्ज मीडियम स्मॉल जो भी आपको सुटेबल है। एक मैनुअल मिल जाती है आपको, जिसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डिवाइस से रिलेटेड, क्या कुछ अवेलेबल है डिवाइस में, सारे फंक्शंस वगैरह सब कुछ आपको मैनुअल मिल जाएगा। अब बात करता हूँ मैं मेन डिवाइस की, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का नेकबैंड है कुछ, और पेट्रॉन की ब्रांडिंग करी हुई है। और एक साइड में आपको जो है यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं, 3 तरह के बटन्स यहाँ पे हैं। प्ले पॉज का है, वॉल्यूम का है, और वॉल्यूम डाउन का बटन आपको मिल जाता है। उसके पास में यहाँ पे एलईडी नोटिफिकेशन भी है, और साइड में आपको यहाँ पे चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है डिवाइस में। तो कुछ इस तरह का नेकबैंड है, फ्लैट वायर डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है नेकबैंड में। और अगर आप देख सकते हैं कि माइक भी अवेलेबल है, तो वायरलेस कॉलिंग वगैरह आप इस डिवाइस से कर सकते हैं। पेट्रॉन के अदर साइड पर आपको कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे सिर्फ पेट्रॉन लिखा हुआ है। अगर वायरिंग की बात करूँ तो देख सकते हैं कि फ्लैट वायर यहाँ पे डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है डिवाइस में। और ईयर टिप्स की बात करूँ तो मैग्नेटिक्स आपको ईयर टिप्स में देखने को मिलता है, और ईयर टिप्स का डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सिंपल है, एलिगेंट है, मतलब इजीली जो है कान में फिट वगैरह हो जाते हैं, तो डिज़ाइन काफ़ी सही है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है कंप्लीट ब्लैक फिनिश देखने को मिलता है, और जो ऊपर की तरफ रबराइज्ड सिलिकॉन है वो भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये तो डिवाइस की बात हो गई, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में फर्दर वर्डिक में। बट इससे पहले हम लोग चेकआउट कर लेते हैं इसके बटन फंक्शन से, क्या कुछ आपको फंक्शन यहाँ पे बटन में मिल जाते हैं। तो बटन फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप सिंगल प्रेस करेंगे अगर पावर ऑन ऑफ बटन को, तो आपका जो म्यूजिक है वो प्ले पॉज हो जाता है। वहीं अगर आप जो है प्लस माइनस बटन को फॉरवर्ड बैकवर्ड करना है म्यूजिक को, तो आपको थोड़ी देर के दबा कर रखना पड़ेगा, तो आपके ट्रैक्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस बटन अल्टरनेट दबा। इस नेकबैंड में यूनिक फीचर ये भी है कि आप लास्ट जो नंबर है उसको डायल कर सकते हैं, यानी कि रीडायल कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेंटर बटन है उसको 3 बार प्रेस करेंगे तो आपका जो लास्ट रीडायल नंबर है वो कॉल लगा देता है ये। वहीं अगर कॉल आ रहा है और कॉल पिक करना है तो कुछ नहीं करना है, एक सिंगल टैप करना होगा, आपका जो कॉल है वो पिक हो जाता है। वहीं कॉल को डिस्कनेक्ट करने के लिए आपको सिंगल प्रेस करना है, और आपका जो कॉल है वो डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा। अब इनके जैसा है कि कॉल आ रहा है और कॉल पिक ही नहीं करना है, तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए होल्ड करना पड़ेगा सेंटर बटन को, यानी कि ऑन ऑफ बटन को, और आपका जो कॉल है ऑटोमेटिकली डिनाई हो जाएगा। अगला फंक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वो है असिस्टेंट वेक का। तो यहाँ पे आपको सेंटर बटन को जो है दबा के थोड़ी देर के लिए होल्ड करना होगा, आपका असिस्टेंट जो है वो वेक हो जाएगा। चलिए गाइस, मैंने वर्डी की बात कर लेते हैं हम डिवाइस के बारे में, तो मैं आपको 3 पॉइंट्स में चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं इसके बिल्ड और डिज़ाइन के बारे में। तो बिल्ड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ प्लास्टिक बिल्ड आपको देखने को मिलता है, और थोड़ा सा जो है चीप फील होता है, मतलब प्राइस पॉइंट को देखते हुए थोड़ी चीप फीलिंग आती है यहाँ पर। और अगर आप डिज़ाइन देखें तो फ्लैट वायर डिज़ाइन है, इतना ज़्यादा फोल्डेबल यहाँ पे मटेरियल इन्होंने यूज़ नहीं किया है, जैसा कि स्किन के पहले जो नेकबैंड है उसमें यूज़ किया था। बट अगर ओवरऑल में अगर मैं बेल्ट डिज़ाइन की बात करूँ, तो आपको एक डिसेंट प्राइसिंग को देखते हुए डिसेंट बेल्ट डिज़ाइन मिल जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डिवाइस के साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस के बारे में। तो साउंड क्वालिटी के डिपार्टमेंट में डिवाइस ने जो है यहाँ पर एवरेज परफॉर्मेंस दिया, बहुत बेहतर मैं नहीं कहूँगा यहाँ पर, क्योंकि जो बेस है वो तो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अगर ट्रेबल्स यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो रहे थे कुछ पर्टिकुलर सॉन्ग्स में, जब फुल वॉल्यूम पर सुनोगे तो डिस्टॉर्शन आ रहा था, तो वो चीज़ बिल्कुल भी प्लीजिंग नहीं लगती है। बट हाँ, 70-80% ऑफ वॉल्यूम पर आप अगर इस डिवाइस को सुनते हैं तो ये एक प्रेफरेबल डिवाइस बन सकता है आप लोगों के लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिवाइस से कॉल क्वालिटी परफॉर्मेंस के लिए, तो मैं आपको डायरेक्ट इस पर्टिकुलर जो माइक्रोफोन से ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो मैं आपको सुना देता हूँ। जब आवाज सुन रहेगा इस पर्टिकुलर माइक्रोफोन से रिकॉर्ड होगा, ताकि आपको अंदाजा लग पाए कि किस तरह की आवाज सामने वाले को जाएगी जब उससे फोन पे बात कर रहे हो या गेम के अंदर उससे आपकी बातचीत चल रही हो। अब बात करते हैं हम लोग डिवाइस में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि गेमिंग। तो गेमिंग के हिसाब से ये डिवाइस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको लेग देखने को मिलता है, और यहाँ पे डिटेलिंग उतनी अच्छी नहीं है, शार्प नहीं है डिटेलिंग्स, तो बिल्कुल भी गेमिंग के लिए मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। यहाँ पे मैंने फिर भी आप लोगों के लिए लेटेंसी टेस्ट किया है, तो वो आप लोग चेकआउट कर लें।
फाइनल बात करते हैं हम लोग डिवाइस की प्राइसिंग की, तो ये आपको मिलता है मात्र 500 रुपए में। और 500 रुपए के प्राइस पॉइंट पे अगर मैं डिवाइस की बात करूं तो डिसेंट है। स्पेसिफिकेशन को अगर हम लोग चेकआउट करें यहाँ पे तो ब्लूटूथ वर्जन 5.0 आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 125 mAh की बैटरी यहाँ पे कंपनी ने क्लेम की है जो आपको 6 hours तक का कंटिन्यूस प्लेबैक दे देती है। वहीं इस पर्टिकुलर डिवाइस को चार्ज होने में लगते हैं 1.5 hours, यानी कि 1.5 घंटे में आपका जो डिवाइस है कंप्लीटली चार्ज हो जाता है। 10 mm के यहाँ पे ड्राइवर्स लगे हैं और मैं कह सकता हूँ कि उन ड्राइवर्स ने इतना जस्टिस डिवाइस के साथ नहीं किया है। तो बिल्ट और अगर स्पेसिफिकेशन हम लोग देखें एज पर द प्राइस पॉइंट, यानी कि काफी डिसेंट डिवाइस है। जो लोग अगर एक बजट सेगमेंट में एक नेकबैंड ढूंढ रहे हैं और जिनका थोड़ा बजट कम है तो वो ये डिवाइस चेकआउट कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से इसको चेकआउट कर लीजिएगा। जाते जाते बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम लोगों का जो प्यार है आगे भी बढ़ा रहे। और कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको कुछ भी अगर सवाल है, डाउट है या कुछ भी आपको इंप्रूवमेंट लग रहा है वीडियोज में आप चाहते हैं हमसे, तो आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए हम साइन आउट करते हैं, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौर एक्सप्लोर के साथ।